लैला कहानी है एक हिंदू माँ की जिसका पति मुसलमान होने के कारण मारा गया। इसका बहाना बना स्विमिंग पूल का पानी। माँ बेटी अलग कर दी गई। पूरी सीरीज उसी बेटी को तलाश करने की यात्रा है। हुमा कुरैशी बनी है लैला की माँ शालिनी रिजवान चौधरी। पूरी सीरीज में आपको हुमा ही दिखेंगी। शालिनी रिजवान चौधरी से शालिनी तिवारी बनाए जाने की कोशिश में। उनके अलावा जो किरदार सबसे ज्यादा दिखते हैं उनमें से एक हैं रंग दे बसंती के भगत सिंह यानी सिद्धार्थ, यहाँ भानु जो विद्रोही बने हैं। ऐसा किरदार जो दुश्मनों के बीच रहकर चुपके से अपना काम करता है। दीपा मेहता अर्थ फायर और वाटर वाली ने इस सीरीज को शंकर रमन और पवन कुमार के साथ मिलकर बनाया है। गुड़गांव के डायरेक्टर शंकर रमन अपनी बेहतरीन सिनेमाटोग्राफी के चलते नेशनल अवार्ड पा चुके हैं। उनका असर लैला को वैसा ही भयावह बनाने में मदद करता है जितना भयावह बनाने वालों ने सोचा होगा। लैला अपने दौर से आगे की कहानी है, ठीक ठीक 2047 की, उसी मिट्टी की कहानी जहाँ के आप और हम हैं, मगर भविष्य के किसी कालखंड में जब देश का नाम आर्यावर्त है। वो एक ऐसी जगह है जहाँ पानी से कीमती कुछ नहीं, जहाँ बारिश में आसमान कोलतार के रंग का पानी उड़ेलता है। असल में ये एक ऐसे दौर की कहानी है जहाँ पानी के नाम पर पुराना सिस्टम क्रैश कर गया, नया सिस्टम बना। हर बिरादरी के अपने घेटोज जिनकी चारों तरफ ऊंची ऊंची दीवारें। आर्यावर्त को चलाता है एक जोशी नाम का आदमी। जोशी क्या चलाता है, समझिए कि उसकी तस्वीर है, उसके पोस्टर्स, उसके वीडियो चलाते हैं लोगों को। उस आर्यावर्त के बच्चे, एकदम छोटे और अबोध बच्चे, मोबाइल पर टॉम जेरी टाइप के कार्टून नहीं देखते, वो जोशी के बाल चरित्र वाले वीडियो देखते हैं। उनकी माएँ गर्व से अपनी मेड्स को बताती हैं, ये रोए तो इसको जोशी जी के वीडियो दिखा देना, दिन भर देखता रहेगा। लैला के आर्यावर्त में गांधी की तस्वीर लगाना क्राइम है। ऐसा नहीं कि गांधी को याद रखने वाले बचे नहीं, बस वो डरते हैं। डर का इलाज, वो दो तरफा तस्वीर रखते हैं, एक तरफ गांधी, पलट दो तो मुस्कुराते हुए जोशी जी, ताकि जब कोई सरकारी आदमी औचक पहुंचे तो झट से मुस्कुराते जोशी को आगे कर दिया जाए। सोसाइटी में अपने जात धर्म के अलावा किसी को चाहना, उससे शादी करना, उससे सेक्स करना पाप है। ऐसा करने वाली औरतें दूष हैं, उनके लिए शुद्धि केंद्र बने हैं। आर्यावर्त एक ऐसा डिस्टोपियन समाज जिसे यूटोपिया की तरह प्रोजेक्ट किया जा रहा है, माने ऐसा रावण राज जिसे राम राज्य कहकर पेश किया जा रहा है। कट्टर शरिया राज कैसा होता है ये देखने के लिए हमारे पास तालिबान, ईरान और सऊदी हैं। ऐसे ही लैला कट्टर हिंदुत्ववादी सिस्टम है, शरिया से काफी मिलता जुलता, वैसा ही मैनिपुलेटिव, हर चीज धर्म से चलती हुई, वहाँ कला की जगह नहीं। एक सीन में मोहन राव नाम का किरदार शालिनी से कहता है, नाच गाना पेंटिंग पोएट्री ये सब कला नहीं बला है, आर्ट फार्ट। समय भी बर्बाद होता है और दिमाग भी खराब होता है। यही मोहन राव रात ढलने के बाद अपने कमरे का दरवाजा बंद करके धीमी आवाज में आंख बंद कर नूर जहां को गाते हुए सुनता है। फैज की नज्म, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब मत मांग। आर्यावर्त की चमकदार कॉलोनियों में रहने वाले लोग मिडिल लेवल मैनेजमेंट हैं। वे या तो अपने बड़ों से इसलिए डर कर रहते हैं कि अपने से छोटों को डरा सकें, या अपने से छोटों को इसलिए डराते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर से डराया गया है, या शायद ये दोनों ही चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कारण जो भी हो, एक डर का समाज निर्मित हो चुका है, जहाँ जो डर गया समझो मरने से बच गया। ये शोले के गब्बर का जंगलराज नहीं, लैला के जोशी का एनिमल फार्म है। फार्म जहाँ इंसान पाले जाते हैं, इंसान जो शायद मैट्रिक्स की तरह ही सोए हुए हैं, बस उसकी तरह सोए दिखते नहीं। ये ऐसी तानाशाही है जहाँ समान विचारधारा वालों को तरक्की मिलती है, जहाँ समानता को छुपाने की भी कोशिश नहीं की जाती। सीरीज के एक एपिसोड में एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, वहाँ हफ्ते भर से कोई ग्राहक नहीं आया, और जो सबसे पहला है उसे 10% का डिस्काउंट इसलिए दिया गया क्योंकि वो पहला है। शायद पूंजीवाद यहाँ अपने सबसे भयानक रूप में सामने आता है, जहाँ पूंजी नहीं, रुपया पैसा हो तो हो पर पूंजी नहीं, पानी नहीं, जंगल पर्वत हवा कुछ नहीं, जीने की बुनियादी चीज़ें नहीं, गैर जरूरी कूड़े से बाजार लदा है। सीरीज का मेन प्लॉट दी हैंडमेड्स टेल नाम की अमेरिकी वेब की कॉपी लगता है, लेकिन अब हम लैला के एक दूसरे सब प्लॉट की बात करें तो वो स्काई डॉम के नज़दीक घूमता है। स्काई डॉम जोशी का एक
अति महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है जिसमें प्रदूषण और बेकाबू हो चुके मौसम की मार झेल रहे आर्यवर्त को एक पारदर्शी गुंबद से छा दिया जाएगा। ये डोम आर्यवर्त को सारी प्राकृतिक आपदाओं से बचा ले जाएगा, मगर इसकी कीमत है। ये कीमत उन्हें चुकानी होगी जो इस स्काई डोम से बाहर रहते हैं। अमेरिका और यूरोप के देश प्रगति करते हैं तो आर्कटिक में वॉलरस मारे जाते हैं, ईस्ट अफ्रीका में कूड़ा बढ़ता है, बस यही हाल स्काई डोम का भी है। कमियों की बात करें तो सीरीज में एक बहुत बड़ी कमी है कि किसी कैरेक्टर का कैरेक्टर आर्क विकसित नहीं होता। कुछ कैरेक्टर्स जैसे हैं वैसे क्यों हैं, इसका उत्तर नहीं मिलता। कुछ परिस्थितियां जैसी हैं वैसी क्यों हैं, ये सवाल भी अनुत्तरित रह जाता है। मैंने वो किताब नहीं पढ़ी जिस पर ये सीरीज बेस्ड है, इसलिए ये बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जा सकता है कि शायद इसके और भी सीजन आए, और सारे नहीं भी तो भी कई सवालों के उत्तर उनमें दे दिए जाएं। और वैसे भी जिस तरह से ये सीरीज समाप्त हुई है वो एक और सीजन की संभावना बनाती है। एक और कमी है इसकी डार्कनेस। जब आप कोई इतना डार्क कॉन्सेप्ट रखें तो कम से कम कुछ ह्यूमर या कुछ एस्केप मोमेंट्स तो रखें ही। होने को ऐसी चीज़ें बनी हैं जो मृत्यु के स्तर तक डार्क हैं, लेकिन फिर आपको हमेशा अपने टारगेट ऑडियंस का ख्याल रखना चाहिए। आर्ट क्रिएट करने का दम्भ वेब सीरीज के पहले सीन से अंतिम सीन तक बना रहता है। इसके लिए फैज की गज़लों का भी आश्रय लिया जाता है, लेकिन वो भी बहुत प्लास्टिक लगता है। यानी ओवरऑल दिक्कत यह है, आपने कॉन्सेप्ट कमाल का चुना, 10 में से 7 अंक वहीं पा लिए, लेकिन बाकी 3 अंक पाने के लिए आपने ज़्यादा एफर्ट नहीं किए। लैला का एक ड्रॉबैक ये भी है कि ये लेफ्ट आइडियोलॉजी को रेस्क्यू के रूप में देखता है, लेकिन ये बात इसमें इतनी सटल है कि यूएस की स्ट्रीमिंग वेबसाइट नेटफ्लिक्स को शायद इसका पता नहीं चल पाया। लैला नाम के आर्ट की अपनी कमियां होंगी जिसकी समीक्षा टेक्निकल स्तर पर कीजिए, लेकिन स्वीकार कीजिए कि कई पैरेलल यूनिवर्सेस में इस वाले भविष्य की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। हम जिस हाल में हैं, आगे हमें और हमारी पीढ़ियों को शायद पानी के लिए एड़ियां घिसते हुए मरना होगा। कब पता नहीं, मगर बहुत जल्द ये तय है। शुक्रिया।